तो हेलो गाइस, गैजेट रॉकर में आपका स्वागत है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और उसके बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गैजेट रॉकर। तो फाइनली दोस्तों, आज अनबॉक्सिंग करते हैं ये माउस, ये वायरलेस माउस जो मुझे पोलैंड की तरफ से मिला है। आप मैं अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ऊपर एक पोलैंड की एक साइट का नाम लिखा हुआ है। मैं इसको साइट के पूरी नाम आप लोगों को नहीं दिखा सकता जिसे सिक्योरिटी रीजन कर, मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे ये पोलैंड लिखा हुआ है। ये पोलैंड से हमें ये पार्सल मिला हुआ है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। क्योंकि अगर आप ये पोलैंड का पोस्ट ऑफिस से जो भेजा जाता है उसका ये लोगो है, अगर इसको लगाएंगे तब ये इंडिया में पार्सल विजिट करेगा। तो फाइनल दोस्तों, आज बात करते हैं क्विक अनबॉक्सिंग। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस पार्सल को जल्दी से ओपन करते हैं। तो फाइनली ये देख सकते हैं, ये टाइटेनियम का माउस जो मुझे पोलैंड से मिला हुआ है। तो फाइनली इसको, इसका नाम है टाइटेनियम वल्चर। जो आप देखते रहे, ये सब फॉरेन के नाम दिए हुए हैं। ये जो टाइटेनियम का ये वल्चर जो वायरलेस माउस है, ये सिर्फ आपको फॉरेन में देखने को मिलेगा। इंडिया में इसके प्राइस थोड़े से हाई है, तो इंडिया में इस पर बहुत कम ही लोग रखते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं इसे दिखा सकता हूँ क्या क्या इसमें। आप पीसी मैक पे काम कर सकते हैं, 2.5 GHz है, नैनो रिसीवर है इसके पास और बहुत सारे इसमें फीचर्स हो सकते हैं। तो माउस एक सिंपली माउस है, पर ये मुझे पोलैंड की तरफ से मिला है। सो फाइनली इसको अब मैं आपको इसका टेस्टिंग वर्जन दिखाता हूँ ये कैसे काम करेगा। तो फाइनली इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सो जैसा कि दोस्तों, मैंने पार्सल को ओपन कर लिया है, जिसमें आपको ये एक नैनो रिसीवर मिलेगा। ये एक नैनो रिसीवर आपको मिलेगा इसमें, इसको साइड में रखते हैं। एंड देन फाइनली आपको ये आपका ये माउस मिलेगा, जो माउस है टाइटेनियम का। बिल्ड क्वालिटी इस माउस की बहुत अच्छी है, हार्ड है। इसमें एक आई थिंक इसमें एक बैटरी लगी होनी चाहिए। इसमें आपको एक छोटा सा यहाँ पे छोटी जो पेंसिल सेल बैटरी होती है यहाँ पे लगानी पड़ेगी। ये इसका देखिए रिसीवर सेंसर है। सो फाइनली मैं दोस्तों इसका टेस्टिंग वर्जन आपको दिखाता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों, ये जो पेंसिल सेल है, इतनी ये बड़ी पेंसिल सेल आप इसमें फिट करेंगे तब जाके ये वर्क करेगा। सो फाइनली मैं इसको फिट करता हूँ। इसे देन ये फिट हो गया है। देन उसके बाद मैं इसका कैप इसमें पुट कर देता हूँ। फाइनली आपको करना क्या है, आपको कुछ करना है। अभी इसका जो नैनो रिसीवर है, इसका नैनो रिसीवर है आपको अपने ये पीसी में लगाना है। तो फाइनली मैं इस नैनो रिसीवर को अपने पीसी में इंसर्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा पीसी है, मैंने ये अपने पीसी में इसको इंसर्ट कर दिया। फाइनली आप आ सकते हैं यहाँ पे अभी आएगा यहाँ पे। फाइनली अभी नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली लिख रहा है, योर यूएसबी इनपुट डिवाइस इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। सो फाइनली मुझे इसे मिनिमाइज करना पड़ेगा कुछ देर भी। सो दोस्तों, जिसे मैंने कनेक्ट कर दिया था, तो आप देखिए, आप मेरे स्किन पे ये पॉइंटर देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, नीचे यहाँ पे ये पॉइंटर फुली वर्क कर रहा है ये। सो अब मैं इसे थोड़ा ले करके देखता हूँ अपना। वन सेकेंड, इट्स नॉट वर्किंग 2K16। सो देखते हैं, जैसे मेरा ये 2K16 वर्क कर रहा है। ये सम टाइम ये आ गया मेरा डन। माउस पूरी फुल्ली को देख रहे हैं आप, मेरा पॉइंटर देख सकते हैं ऊपर पूरा वर्क कर रहा है। अच्छे से वर्क कर रहा है मेरा ये पूरा। सुना दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरह अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारे अनबॉक्सिंग देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।